छठवां कर्तव्य भारत की समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। भारत का इतिहास बड़ा लंबा रहा है और इस लंबे इतिहास के साथ ही साथ उसमें विभिन्न तरह की संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। अलग अलग काल में अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए, यहाँ बस गए, यहाँ रम गए, यहाँ मिल गए। परिणाम विभिन्न तरह की संस्कृतियों का यहाँ पे एक तरीके से उदय हुआ। विभिन्न तरह की संस्कृति यहाँ पनप रही हैं और हर संस्कृति हर परंपरा की अपनी विशेषता है। हमें इस पे गौरव होना चाहिए, विभिन्नता में एकता। तो इस गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस गौरवशाली संस्कृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम समन्वित सामाजिक संस्कृति को समझें और उसका संरक्षण करें। अपनी संस्कृति से उठकर हम सामाजिक संस्कृति की बात करें, जिसमें विभिन्न जाति धर्म समुदाय की अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपनी अपने रीति रिवाज हैं, अपनी अपनी वेशभूषा है, भाषा है। इन सब का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ें और इन सब का संरक्षण भी करें, ये हमारा कर्तव्य है। और ऐसा न करने वालों पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान भी हैं। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और प्राणियों के प्रति दया भाव। पर्यावरण को लेकर दुनिया में बहुत उहापोह है, बहुत चिंताएं हैं। बदलते हुए पर्यावरण ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, अनेक चिंताएं पैदा कर दी हैं। यहाँ तक कि विकास की नई परिभाषा बनाने का भी प्रयास है पर्यावरण के मद्देनज़र। एक ओर जहाँ पर्यावरण इतना अहम मुद्दा बन गया है, तो निश्चित रूप से पर्यावरण को बचाए रखने का की जिम्मेदारी हम पर ही है। अर्थात हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना करें, हम पर्यावरण की सदैव रक्षा की चेष्टा करें, हम जानवरों के प्रति दयावान रहें, उनके प्रति निष्ठुर ना हों। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण, नैसर्गिक वातावरण जो है, जिसके अंतर्गत नदी, झील, तालाब, वन्य जीव, वन ये सब आते हैं, उनकी हम रक्षा करें, पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं, नागरिकों को बार बार इस बात के प्रति सजग करें कि वे प्राणियों के प्रति, अन्य जीवधारियों के प्रति दया भाव रखें। क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस की जब बात होती है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस के तहत प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य प्राणी और जानवर, जंगली जानवर आदि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक उचित वातावरण को व उचित पर्यावरण को बनाए रखने में। तो ये अपेक्षा की जाती है एक अच्छे नागरिक से कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने में योगदान दे, जीव जंतुओं के प्रति दयावान रवैया अपनाए और ऐसा करते हुए वह इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में अपनी भूमिका एक अच्छे नागरिक के नाते निभाए।
पर्यावरण संबंधी कर्तव्य जो सातवें नंबर पर है, उस क्रम में आठवां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात रैशनल नजरिया। अंधविश्वास का ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कोई स्थान नहीं होता। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद और ज्ञानार्जन का विकास प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, कारण प्रकारण इस पर ज़्यादा सोचे बजाय अंधविश्वास और दकियानुसी विचारों के। उससे ऊपर उठकर वह रैशनल बने। साथ ही ह्यूमैनिज्म अर्थात मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। मानववाद अर्थात मानव के प्रति सम्मान, मानव के प्रति स्नेह आदि आदि, मानवीय सोच और ज्ञानार्जन, इसका विकास करें। ये उसका अगला कर्तव्य है। कर्तव्यों की श्रृंखला में नौवां कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर भारत के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ इस कर्तव्य के पालन में बहुत कमी देखी जाती है। वह कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति अर्थात क्या? गार्डन, रोड्स, हॉस्पिटल, गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि आदि, ये सब जो है ये सार्वजनिक संपत्ति में आती है। ये सार्वजनिक संपत्ति किनके उपयोग और उपभोग के लिए है? हमारे और आपके। दुर्भाग्य से सार्वजनिक संपत्तियों का उस तरीके से संरक्षण नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। मंदिर, ऐतिहासिक भवन, आर्किटेक्चर से के बड़े बड़े उदाहरण, चाहे वे कोई बड़े बड़े मंदिर ले लें, अजंता एलोरा की गुफाएं, खजुराहो का मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर और अन्य ऐसे जितने भी भवन हैं, ये भी सार्वजनिक हैं। पर यहाँ जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग हम में से इनकी दीवालों पर कुछ लिख देते हैं, इनके पत्थरों में छेद करके अपना नाम या कुछ ऐसा लिख देते हैं जो अनुचित है। पुरानी जो धरोहर हैं, किले हैं, उनकी ईंटों को तोड़ बैठते हैं और ऐसा करते हुए वे उस ऐतिहासिक भवन को नुकसान पहुंचाते हैं। एक अच्छे नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह इन सार्वजनिक संपत्ति की को नुकसान ना पहुंचाए बल्कि उसकी सुरक्षा करे। उसकी सुरक्षा का दायित्व हर जगह सरकार पर नहीं बढ़ा जा सकता। सरकार की पहुंच हर जगह नहीं है और ना हो सकती हो। जरूरी है कि हम और आप इसको नुकसान होने से बचाएं, ऐसा गलत कार्य करने वालों को रोकें जो इन भवनों को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा की हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और साथ ही हिंसा से दूर रहना। दसवां और अंतिम कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास, उन्नति का प्रयास, खुद की उन्नति और समाज की उन्नति, इसका प्रयास करना। नागरिकों का एक कर्तव्य है कि वे सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उन्नति का प्रयास करें, और यदि ऐसा करते हैं तो राष्ट्र निरंतर प्रगति की ओर बढ़ेगा, उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयां पाएगा और विश्व स्तर पर एक अपना स्थान बना पाएगा। ये सब तभी संभव है
जब देश के नागरिक अपने व्यक्तिगत उत्कर्ष का और अपने सामाजिक उत्कर्ष का चैतन्य रूप से प्रयास करें। इस प्रकार मूल अधिकारों के बाद हमने ये मूल कर्तव्य देखे। मूल अधिकार जहाँ 6 हैं वहाँ मूल कर्तव्य 10 हैं, और इसके बारे में अब हमने अच्छी तरह समझ लिया। उम्मीद है कि हम आप जो आज इसकी बारीकी से अध्ययन किए हैं वे अब अपने कर्तव्यों के प्रति और जागरूक होंगे और सजग होंगे, और सुनिश्चित करेंगे कि किसी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न करें, सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्र प्रतीक जो हैं उनका सम्मान करें, सुनिश्चित करेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें अंधविश्वास और दकियानूसी विचारों से हटकर आदि आदि। नवंबर 2001 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। नवंबर 2001 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। संविधान संशोधन 51A के तहत शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। अतः मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। ये एक तरीके से मौलिक अधिकार बन गया है, यद्यपि वो 6 अधिकारों की श्रेणी में नहीं है, पर कर्तव्य के नाते, मौलिक कर्तव्य के नाते सभी पालकों को का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कराएं, और यह किस अनुच्छेद के तहत? 51A के तहत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 हो गई है। आखिर मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है? मूल कर्तव्य क्यों, और इससे क्या फायदा हुआ? इसके न रहने से क्या नुकसान थे? तो फंडामेंटल्स या इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटी की महत्ता क्या है, महत्व क्या है? सर्वप्रथम ये लोकतंत्र की सफलता में सहायक होता है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में डालने से ये फायदा हुआ कि लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं का आदर करने के लिए विवश हुए। कुछ लोग ऐसे थे जो लोकतांत्रिक संस्थाओं का उचित आदर नहीं कर रहे थे। इसके आदर के मामले को कानूनी जामा देने से संवैधानिक प्रावधान करने थे, जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका आदर होता है, उनका उचित आदर होता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए मौलिक कर्तव्यों का जोड़ा जाना संविधान में बहुत आवश्यक था। लोकतंत्र में सहायक होने के अलावा मौलिक कर्तव्य ये सुनिश्चित करते हैं कि संकट के समय देश की सुरक्षा के लिए यहाँ का नागरिक तैयार है। मौलिक कर्तव्यों द्वारा नागरिकों को संकट के समय देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने का, योगदान करने का जो आह्वान राज्य करता है, उसके तहत ये यहाँ के नागरिकों के लिए आवश्यक हो गया है कि वह इस कर्तव्य का निर्वाह करे, और ऐसा करते हुए जरूरत पड़े तो देश के लिए बलिदान भी करे। तो इस प्रकार मौलिक कर्तव्यों के जुड़ने से देश की सुरक्षा और सुनिश्चित हुई है। ये बाध्य कर दिया गया है कि यहाँ का हर नागरिक देश की रक्षा सुरक्षा में उचित समय आने पर योगदान देने के लिए तैयार रहे। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का एक बहुत अच्छा परिणाम या एक बहुत अच्छा कारण एकता और अखंडता की रक्षा। मौलिक कर्तव्य द्वारा नागरिकों को यह निर्देशित किया गया है कि वे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई कार्य न करें, उन्हें इससे वंचित कर दिया गया है और बाध्य कर दिया गया है कि वह देश की अखंडता की रक्षा करने का प्रयास करें। सभी नागरिक
यदि इसका ईमानदारी से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से देश की संप्रभुता और देश की एकता स्थायी बनी रहेगी। दूसरे शब्दों में, मौलिक कर्तव्यों में इसका प्रावधान करके देश की संप्रभुता को, देश की एकता को और मजबूत करने में बहुत सहायता मिलती है। अगला कारण, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने से, 42वें संशोधन के तहत संविधान में जोड़ने से यह सुनिश्चित हुआ है कि देश की प्रगति में सहायक बना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जाने के कारण देश की प्रगति बेहतर होगी, भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकेगा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिए जाने का जो सतत प्रयास होगा वह तभी शुरू होता है जब उसे कर्तव्यों की श्रेणी में लाकर संविधान में जोड़ा गया। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता हुआ स्कूल, पाठशालाओं और महाविद्यालयों का जो कोर्स है वह सुनिश्चित किया गया और ऐसा करते हुए एक आधुनिक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया जो देश की प्रगति में सहायक बनता हो। अगला बिंदु, कर्तव्यों के संवैधानिक प्रावधान करने से यह फायदा हुआ है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सरकार को, राज्य को मदद मिल रही है। पूर्व में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किए जाने पर कोई विशेष तरह की सजा का प्रावधान नहीं था, परिणाम यह था कि उच्च श्रृंखलता बहुत जगह दिखाई दे रही थी और गैर जिम्मेदाराना तरीके से समाज के कई लोग ऐसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। मौलिक कर्तव्य के पालन करने से, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के परिपालन करने से देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो प्राकृतिक संपत्ति है, उसका बेहतर संरक्षण हो रहा है, वह संपत्ति अब बेहतर तरीके से रखी जा रही है। किसी समय में एक बहुत छोटा सा उदाहरण, आप अधिकतर सरकारी कार्यालयों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में आप पाते थे कि पान थूकने के दाग पूरी दीवार से पटी रहती थी, हर कमरे का कोना उससे पटा रहता था। आज ये बहुत कम है। उसके दो कारण हैं, एक तो कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं और दूसरी ओर इसके लिए सजा के भी प्रावधान हैं। आपने पढ़ा होगा कि थूकने पर कुछ आर्थिक दंड भी दिया जाता है और ये दंड देने का प्रावधान संवैधानिक किया गया इसी के तहत, जो जिसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा को हमारे कर्तव्यों में जोड़ा गया। छठवां कारण कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का, संस्कृति की रक्षा और संरक्षण। जैसा मैंने बारंबार कहा, भारतीय संस्कृति विविधता की संस्कृति है और ये तभी संभव है विविधता को बनाए रखना जब ये सुनिश्चित किया जाए कि मेरी संस्कृति किसी दूसरे की संस्कृति पर हावी ना हो। दूसरे की संस्कृति को कुचलने दबाने के लिए विवश ना किया जा रहा हो, ऐसी स्थिति को बनाए रखने के लिए ये जरूरी था कि हमारे कुछ कर्तव्य इससे जुड़े हुए हों। संस्कृति की रक्षा और संरक्षण के कर्तव्य को जोड़ने से के अच्छे परिणाम ये हुए कि सभी राज्यों की परंपराएं और भावनाएं अक्षुण्य हैं, राज्य द्वारा इन परंपराओं और भावनाओं को यथावत बनाए रखने के लगातार निर्देश रहते हैं और इसके साथ ही समन्वय स्थापित करने का प्रयास रहता है जिससे भारतीय संस्कृति
एकता के बंधन में बंधे रहे। तो ये भारतीय संस्कृति की विविधता, भारतीय संस्कृति की विशालता तभी संभव है जब संस्कृति की रक्षा और संरक्षण को लेकर इस देश के नागरिक सजग हों, सच जागरूक हों। और ये तभी संभव हुआ या बेहतर हुआ जब इनको कर्तव्यों के मातहत जोड़ा गया। अब आखिरी जो उसका महत्व है वह है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसमें एकता की बात है, अखंडता की बात है, सद्भावना, भाईचारा आदि आदि ऐसे विचार हैं, ऐसे आदर्श हैं। और ये सभी आदर्श मानवीय दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करते हैं। तो यदि हम अपने ही देश में इन भावनाओं को पनपने दें, इन भावनाओं का वार्धक्य करें, सद्भावना की भावना, अखंडता की भावना, एकता आदि आदि, निश्चित रूप से ये विश्व बंधुत्व को प्रभावित करेगा, पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करेगा। तो विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का अंतिम कारण। इससे स्पष्ट है कि मौलिक कर्तव्यों के पालन से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, और इसीलिए मौलिक कर्तव्य भी भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अंग माने गए। कर्तव्य जो है वो व्यक्ति द्वारा निभाए गए ऐसे दायित्व हैं, ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिससे समाज का विकास होता है। समाज का विकास होता है, ऐसी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कर्तव्य जो है वह जिम्मेदारी है, अधिकार जिम्मेदारी नहीं है। कर्तव्य वस्तुतः कुछ ऐसे निश्चित और अवश्य किए जाने वाले कार्यों को कहते हैं जो कि एक सभ्य समाज में व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के बदले में करने पड़ते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, ऐसे निश्चित और अवश्य किए जाने वाले कार्य, निश्चित कार्य और अवश्य किए जाने वाले कार्य जो कि एक सभ्य समाज में, एक अच्छे राज्य में रहने वाले व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के बदले में मिलते हैं। आपको ये अधिकार हैं तो आपको ये कर्तव्य भी है। आप केवल अधिकारों की बात नहीं कर सकते या आप केवल कर्तव्यों की बात नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति तो आती ही नहीं है। तो इस प्रकार कुछ मूल कर्तव्य भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। और कर्तव्य क्या है, बहुत छोटी परिभाषा है, बड़ी स्पष्ट है, करने वाले, करने योग्य कार्य कर्तव्य, करने योग्य कार्य कर्तव्य। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो याद रखेंगे उस समय केवल अधिकारों का जिक्र था उस संविधान में। 26 जनवरी 50 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस संविधान की पुस्तक में कर्तव्यों का जिक्र नहीं था, केवल अधिकारों का था। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि संभवतः हमारे संविधान निर्माता मानते थे कि भारतीय नागरिक अपने कर्तव्यों को बखूबी जानता है और उसको संवैधानिक जामा पहनाने की जरूरत नहीं है। मूल कर्तव्यों का जिक्र हमारे संविधान में नहीं था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया कर्तव्यों को संवैधानिक जामा पहनाने की आवश्यकता बढ़ती चली गई। सन 1976 में 42वें संशोधन के तहत ये अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिक के मौलिक कर्तव्य डाले जाएं, और इसलिए चतुर्थ भाग, चौथा भाग, बाद में एक नया भाग चौथा, फोर्थ ए, चतुर्थ अ, ये भी जोड़ा गया।
इस नए भाग में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य? 10। कब लागू हुआ? 1976। कौन सा संशोधन? 42वां संवैधानिक संशोधन। और महत्वपूर्ण बात ये कि कर्तव्यों का जिक्र हमारे संविधान निर्माताओं ने 1950 में जो संविधान लागू किया था उसमें नहीं किया था। अब ये 10 मौलिक कर्तव्य क्या हैं, थोड़ा इस पर नज़र डालें। 10 मौलिक कर्तव्य क्या हैं?